दोस्तों, दुश्मन देश हर पल घुसपैठ की तलाश में ताक लगाए बैठा है। दुश्मन हर पल यही चाहता है कि कैसे वह भारत को नुकसान पहुंचाए। ऐसे में सरहदों की निगरानी में जुटे भारतीय जवानों के सिर पर हर वक्त मौत मंडराती रहती है। पता नहीं कब कौन सी गोली में किसका नाम लिखा हो। लेकिन दोस्तों, सीमा पर खतरा सिर्फ जवानों को ही नहीं बल्कि उन करोड़ों युवाओं के लिए भी है जिन पर हमारे भारत देश का भविष्य टिका हुआ है। यह खतरा कुछ और नहीं बल्कि वो नशीला जहर है जो हमारी युवा पीढ़ी को अपना शिकार बना रहा है। यूं तो सीमा पर नशे की खेप को स्मगल कर भारत पहुंचाने का यह सिलसिला कई दशकों से चल रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF ने जिस तरह सख्ती बढ़ाई है उनसे इन तस्करों का जीना हराम हो गया है। हालांकि अब तस्करों ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है। भारत में ड्रग्स की खेप पहुंचाने के लिए तस्कर महज कपड़े का एक टुकड़ा या प्लास्टिक के पाइप से हथियार बना लेते हैं। आखिर कैसे एक कपड़े की मदद से हो रही है भारत पाक सीमा पर ड्रग्स की स्मगलिंग, कैसे एक प्लास्टिक पाइप के जरिए पहुंच रहा है भारत में नशे का सामान, जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहे। दोस्तों, यह वीडियो हमारे भारत के सुरक्षा से जुड़ी हुई है, हमारे भारत के भविष्य से जुड़ी हुई है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आप भी यही सोचेंगे कि दुश्मन भारत को बर्बाद करने के लिए क्या क्या जुगाड़ लगा रहा है। दोस्तों, कटीले तारों के बीच प्लास्टिक पाइप से तस्करी के तरीकों का BSF ने जब माकूल जवाब देना शुरू किया तब सीमा पर के तस्करों ने एक नई तरह की चाल चल दी। अब पलक सपकते ही नशे का जहर भारत की सरजमी पर पहुंचा दिया जाता है, वो भी कपड़े के एक टुकड़े की मदद से। यह कपड़ा या तो किसी शर्ट का बाजू होता है या कोई लेडीज गारमेंट्स। क्यों चौंक गए ना आप यह जानकर? तो चलिए बताते हैं कि कैसे सीमा पार तस्करों ने अब तस्करी का कौन सा नया तरीका ईजाद कर लिया है। दरअसल यह तस्कर किसी शर्ट की एक बाजू लेते हैं, उसमें एक तरफ से गांठ बांध देते हैं और फिर उसमें हीरोइन और कोकीन जैसे ड्रग्स भर देते हैं। फिर इसकी एक छोर को पकड़कर हाथों में जोर जोर से गोल गोल घुमाया जाता है और फिर इसे सीमा पर लगे फेंस के ऊपर से उछाल दिया जाता है। ऐसा करने से कपड़े में बंधा नशे का सामान सीमा को पार करते हुए काफी दूर आकर गिरता है। यही काम यह तस्कर महिला के सलवार के साथ भी करते हैं। फिर रात के अंधेरे में ड्रग्स पेडलर्स अंधेरा का फायदा उठाकर इन कपड़ों को उठा ले जाते हैं और फिर इस तरह नशे का जहर भारत में दाखिल हो जाता है और फिर अलग अलग हाथों से होता हुआ हमारे नौजवानों के शरीर में चला जाता है। सीमा पार से ड्रग्स तस्करी के इस गलत धंधे को ज्यादातर पंजाब में अंजाम दिया जाता है। ड्रग्स तस्करों की इन तकनीक का खुलासा तब हुआ जब अमृतसर के भेरवा पोस्ट पर BSF जवानों ने दो पाकिस्तानी तस्करों को मार गिराया। उन दो तस्करों ने भी गेहूं के खेत में छिपकर बिल्कुल इसी अंदाज में भारत में ड्रग्स फेंकने की नाकाम कोशिश की थी। यह ड्रग्स भी सलवार के एक टुकड़े में बंधा था, लेकिन इस बात की खुफिया जानकारी BSF जवानों को पहले ही मिल चुकी थी और BSF के वीर सिपाही पूरे 5 घंटे से सीमा के इस इलाके में मुस्तैद थे। कुछ देर बाद उन्हें सीमा पर कुछ हलचल दिखाई दी। तस्करों ने जैसे ही सलवार में बंधा ड्रग्स अपने इलाके में फेंका, मुस्तैद BSF के जवानों की राइफल से निकली गोली उनका सीना छलनी कर दिया और दोनों तस्करों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब बॉर्डर पर ड्रग्स तस्करी का यह खेल सालों पुराना है। हाँ, भले ही इस बार तस्करी करने का यह अंदाज थोड़ा निराला था, लेकिन हर साल पंजाब बॉर्डर से सैकड़ों किलो ड्रग्स पकड़ी जाती है और हर बार सीमा पार के यह तस्कर कोई नया तरीका ढूंढ निकालते हैं ताकि नशे के जहर को भारत पहुँचाया जा सके और भारत को अंदर ही अंदर से खोखला किया जा सके। सीमा पर मौजूद कटीले तारों की यह फेंसिंग दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करती है, जिसके आर पार जाना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं है। लेकिन इन्हीं तारों के जरिए करोड़ों के ड्रग्स की स्मगलिंग की जाती है। इंडो पाक बॉर्डर पर सैकड़ों किलोमीटर तक ऐसे ही कटीले तारों से फेंसिंग की गई है। इन तारों में 440 वोल्ट का खतरनाक करंट भी दौड़ता है। इन सब के अलावा यहाँ 24 घंटे मुस्तैदी से पेट्रोलिंग भी की जाती है। बावजूद इसके नशे का यह जहर भारत में स्मगल करके पहुँचा दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि सीमा पर फेंसिंग की गई तारों में 440 वोल्ट का खतरनाक करंट दौड़ता है, तो इस करंट से बचने के लिए दुश्मनों ने एक नया ही तरीका ढूंढ निकाला है और वो तरीका है कि करीब 10 फीट लंबी PVC की यह मामूली पाइप, जिसका एक सिरा पाकिस्तान में खुलता है तो दूसरा हिस्सा भारत में खुलता है। दरअसल
दरअसल फेंसिंग के करीब पहुंचकर यह तस्कर पाइप में ड्रग्स के पैकेट डाल देते हैं और पाइप को करीब 10 फीट चौड़ी फेंसिंग के आर पार पहुंचा दिया जाता है। ड्रग्स के यह पैकेट आपस में इस तरह से बंधे होते हैं कि अगर दूसरी तरफ मौजूद हैंडलर एक पैकेट भी खींच लेता है तो सारे पैकेट बाहर निकल जाते हैं और इस तरह चलता है सीमा पर ड्रग्स तस्करी का यह काला खेल। दोस्तों, ड्रग्स के इस काले धंधे में बेहिसाब पैसा है। यही वजह है कि कई बार घर का भेदी ही बॉर्डर पर ड्रग्स वाली साजिश का हिस्सेदार बन जाता है। कुछ वक्त पहले ही पंजाब की मोहाली पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी का एक हाईटेक स्मगलिंग केस का खुलासा किया था, जिसकी भनक बीएसएफ तक को नहीं लग पाई थी, क्योंकि इस डील की प्लानिंग व्हाट्सएप पर हुई थी और डील की लोकेशन गूगल मैप पर सेट की गई थी। पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान नार्को टेरर के इस हाईटेक प्लान में बीएसएफ के एक कांस्टेबल अनिल कुमार को मोहरा बनाया गया, जिसने चंद रूपों की लालच में भारत से गद्दारी का रास्ता चुना। दोस्तों, सीमा पर भारतीय जवान हमें हर खतरों से बचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो दुश्मन से बचाना हो या फिर दुश्मन के भेजे गए इस खतरनाक जहर से। हमारी सेना हमें हर तरह से बचाती है। तो दोस्तों, भारतीय सेना के लिए वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। क्या आप इतना भी नहीं करेंगे भारतीय सेना के लिए? बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पे ऑल पर भी क्लिक करें, ताकि हमारी कल की वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।